हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी विंटर रेसिपी। ये रेसिपी है साग गोश्त की। तो चलिए ये साग गोश्त हमने किस तरह से बनाया है रेसिपी देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों में शलजम गोश्त सभी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है विंटर्स के दिनों की। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 किलो गोश्त लिया है और मैं यहाँ पर 2 किलो मैंने शलजम लिए हैं और 1 किलो पालक लिया है। तो शलजम मैंने काट कर रख लिया था। यहाँ पे ये शलजम है और नीचे शलजम के पत्ते हैं, और साथ ही 1 किलो पालक मैंने इसी तरह साफ करके रख लिया था। तो गोश्त अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 किलो में 1 किलो का रेशो लेके चल रही हूँ। और वैसे आमतौर पे 3 किलो अगर शलजम और पालक मिलाकर हैं तो आप 1.5 से 1.5 किलो गोश्त ले लें। मैंने यहाँ 1 किलो लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं और दिखाते हैं हमने किस तरह से इस रेसिपी को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो प्रेशर कुकर में बना लें, मैं यहाँ प्रेशर कुकर में ही आपको बना के दिखा रही हूँ। कई सारे लोग खुला बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर करीब 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पर ऑयल लेने वाली हूँ। सरसों का तेल ले रही हूँ। तो यहाँ पर करीब मैंने 1.5 से 1.75 कप ही समझें कि यहाँ पर ऑयल लिया है। तो मस्टर्ड ऑयल से ना इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल को पकने देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी गर्म है। एक प्याज मीडियम साइज़ का लिया है और वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ऑयल क्योंकि गर्म है तो यहाँ पर प्याज अभी आराम से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। तो फ्लेम यहाँ पर ऑन कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब जो है तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर प्याज सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। और अब हम इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे, जब तक कि गोश्त का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर गोश्त का कलर जो है वो अच्छे से आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, सफ़ेद सफ़ेद पन पे आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है करीब 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये हम डाल देंगे। बड़े चम्मच लिए थे मैंने, अच्छी तरह भर के लिए। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक की जो खुशबू है वो इसमें रम जाए और कच्चेपन जो है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अदरक लहसुन का अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले जो कि इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया करीब 2 बड़े चम्मच है। यहीं पर मीडियम साइज़ के जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने 2 चम्मच लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच ही मैंने लिया है नमक। तो ये सादा से मसाले इसमें जाएंगे, कोई भी इसमें मसाला ऐसा नहीं जाएगा। तो बस ये मसाले डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को भून जाने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमने आगे क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अच्छे से मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे शलजम। तो ये शलजम जा रहा है इसमें, जो शलजम काट के हमने डाला है ना, पत्ते अभी कम डालेंगे क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा छोटा है। तो पहले हम शलजम को अच्छे से गला लेते हैं, उसके बाद हम शलजम के पत्तों को डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़े थोड़े पत्ते चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम बाकी के जो सारे पत्ते हैं वो बाद में डालेंगे। तो ये मिक्स कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो शलजम की जितनी भी मोटी अगर डंडियाँ हैं थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ डाल सकते हैं जो शलजम के पत्तों की डंडियाँ हैं। तो शलजम के थोड़े थोड़े से पत्ते इसमें गए हैं, तो मैं इसमें थोड़े थोड़े पत्ते और डाल देती हूँ शलजम के। पालक हम बाद में मिला लेंगे क्योंकि पालक भुनाई के टाइम इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। अगर बड़ा प्रेशर कुकर है तो आप सारी चीज़ें एक साथ डाल करके भी बना सकते हैं। जो ये मैं 2 किलो शलजम और 1 किलो पालक और 1 किलो गोश्त जो ये मैं बना रही हूँ, ये करीब 8-10 से 12 लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो यहीं पर अब हम थोड़े से शलजम के पत्ते भी यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है,
जितने भी ये पत्ते हैं ये भुज करके कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डंडियां हैं ना, ये छोटी छोटी डंडियां, ये गलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसे ये डंडियां हैं, ये गलनी मुश्किल हो जाती हैं, और साग गोश्त में अच्छे से घुटा हुआ ना हो तो मजा नहीं आता। शलजम काफी हद तक अंदर चला गया था, मैंने फिर ये पालक डाला है इसमें, और अब पालक भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा, तो हम बाकी का पालक भी इसमें डाल देंगे जितना भी जा सकेगा। तो यहाँ पर पालक अच्छे से अंदर जा चुका है और काफी जगह बन गई, तो अब मैं और पालक डाल देती हूँ। इसी तरह हमने सारा पालक आहिस्ता आहिस्ता डाल देना, फिर उसके बाद हमने इसको सीटी लगा करके प्रेशर कुक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारा पालक इसमें धीरे धीरे डाल दिया, अब थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो हम इसको सीटी लगा देंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे से पानी, मतलब जो पालक है वो बुझ गया है और पानी छोड़ चुका है। अब मैंने चखा था इसको यहाँ पर नमक, तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैं एक चम्मच नमक डालूंगी और अब इसका ढक्कन लगा करके प्रेशर कुक कर लूंगी। यहाँ पर हम खोल कर देख लेते हैं प्रेशर कुकर, और ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको खोल करके इसका सारा पानी सुखा लेना है। उससे पहले मैं इसे किसी खुले बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए गोश्त कितना अच्छे से गल गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोश्त गला हुआ है। हल्का सा चम्मच लगा और ये देखिए बोटी अलग। तो इस बात का ध्यान रहे कि बोटी थोड़ी सी जरा कम गली हो, क्योंकि भूनते भूनते भी गलेगी, तो यहाँ पर गोश्त ज़्यादा गल चुका है। खैर कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो मैं आपको वो भी ट्रिक बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने बड़े बर्तन में जो सारा शलजम है वो ट्रांसफ़र कर लिया, और बोटियाँ मैंने एक साइड निकाल ली जिससे कि वो भूनते हुए गले नहीं। तो बस अब हम सिर्फ शलजम और का पानी जो है ना, शलजम पालक का पानी, इसे अच्छे से खुश्क करेंगे। अच्छा मम्मा पीना है, ओके बेबू। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर इसे भून रहे हैं, पानी पूरा खुश्क होने लगा है, काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इस तरह से इसको घोट लेंगे जिससे कि जो ये शलजम के चंक्स हैं वो अच्छे से घुट जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने करीब 7 से 8 हरी मिर्च ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये थोड़ा तीखी वाली हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने अदरक लिया है करीब 4 से 5 इंच का, और इसे बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे करेंगे मिक्स, और इसी तरह हम भूनते हुए इसे अच्छी तरह पका लेंगे। तो ये देखिए ये भूनते भूनते इतना ज़्यादा हमने खुश्क कर लेना है, अच्छी तरह से आपने घोटना है, और ऑयल इसका हल्का हल्का किनारे पे आ गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो ऑयल थोड़ा कम ही निकलता है। इसको और अच्छे से भूनेंगे, ठीक है, जिससे कि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैंने बोटियाँ पहले ही निकाल कर रख दी थी, आपको बताया भी था कि गोश्त काफ़ी गल गया, तो इस टाइम हम ये बोटियाँ डाल देंगे, क्योंकि अगर हम बोटियाँ उसी साथ भूनते तो बोटियाँ बिल्कुल हलवा हो जाती हैं। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आप गोश्त बहुत हल्का सा गलाएं और उसके बाद आप भूनते भूनते गला लें, या फिर आप जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह भी आप बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से सही रहेगा। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और उसके बाद हल्की आँच पर इसे पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ऑयल इसका सरफेस पर ना आ जाए। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है जिससे कि हम ऊपर से बघार कर लें। तो यहाँ पर अभी मैं ये 1 से 1.5 कप पानी डाला है, और इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी इसकी बहुत लिक्विड ही नहीं होती, थोड़ा गाढ़ेपन पर ही होती है, ठीक है। तो ये समझे कि यहाँ पर मैं 2 कप मैंने पानी डाल दिया है, और बस अब हम इसे हल्की आँच पर पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा ऑयल बाहर ना निकल आए, ठीक है। चलिए तो पका लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मैंने ढक करके पकाया था इसको, और ये ऑयल देखिए आ चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये शलजम गोश्त बनता है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए,
और अब हम यहाँ थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म किया था, आप चाहें ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इससे हल्का सा आप इस तरह से बघार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मज़े का ये बनता है, ये देखिए क्या बात है। और आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत सादा सा है, बहुत मज़ेदार है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि शलजम गोश्त की थी, आप उसे भी देखिएगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं, बहुत तरह के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।